बात करीब 2 दशक पहले की है, जब उस वक्त हम प्रिंट मीडिया में हुआ करते थे, दैनिक जागरण में काम करते थे। तो एक खबर हमने उसमें बनाया था, 2 मंजिले पे इंदिरा आवास, वो दौर इंदिरा आवास का था। और हुआ ये था कि अकबरपुर प्रॉपर बाजार में एक ऐसे व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ तब दे दिया गया था जिसके पास 2 मंजिला मकान था। इसलिए हमने खबर बनाया था उसमें, 2 मंजिले पे इंदिरा आवास। कुछ ऐसा ही वाकया एक सामने आया है, और ये मामला नवादा के जिला पदाधिकारी के समक्ष पहुंचा है, और जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में ये मामला चल रहा है। और यह मामला पकरीबरावा प्रखंड का है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला के महासचिव हैं आप, नाम है मणिकांत, ऐसे डिंपल सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है, डोला गांव के रहने वाले हैं। तो वहां भी पकरीबरा प्रखंड में कुछ इस प्रकार का मामला आया है कि एक 2 मंजिला मकान जिस व्यक्ति के पास है शहर में, बाजार में जो कहिए, उस व्यक्ति को गांव में इंदिरा आवास का लाभ, सॉरी अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। तो अधिकारियों के स्तर से, या कहिए ये जो सिस्टम है करप्शन का सिस्टम, उस सिस्टम में क्या कुछ होता है, उसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण सामने आया है, और मामला जिला प्रशासन मतलब सीधे जिला पदाधिकारी तक पहुंचा हुआ है। तो क्या कुछ मामला है, हम ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, डोला गांव के हैं, इन्हीं गांव के वो लाभुक भी हैं तथाकथित, तो इन्हीं से हम बात करते हैं। मणिकांत जी बताइए क्या मामला है, पूरा बताइए, पब्लिक को बताइए क्या मामला है। मामला है कि राजेंद्र शर्मा एक है, उसके उसको पहले एक पूर्व वीडियो जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र बना देता है, और उसकी वाइफ को विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है अभी भी, और एक वीडियो जो अभी वर्तमान में है ये आए, और उसी राजेंद्र शर्मा को राजेंद्र शर्मा के नाम से ही आवास योजना का लाभ दे दिया। मतलब ये बता ये रहे हैं कि पहले के जो वीडियो थे, वो वीडियो साहब जिस व्यक्ति को मृत घोषित करके उसकी पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ दिए, आज जो है सो जो दूसरे वीडियो, नए वीडियो जो वर्तमान वीडियो हैं, ये उस व्यक्ति को जिंदा बताते हुए पीएम आवास का लाभ दे दिया। बात यही है ना जी डिंपल जी? जी मणिकांत जी आगे बताइए कहानी। अब आगे कहानी है कि हमने कंप्लेन किया तो अनुमंडल लोक शिकायत में चला, वहाँ वीडियो साहब जवाबी लिखित में दिए कि 3 भाई है, पहले तो बोल दिए 4 भाई है, फिर 4 भाई करके दिए कि चारों में 3 भाई का यहाँ हिस्सा मिला, 4th भाई को वहाँ हिस्सा नहीं मिला, जबकि वास्तविक में 3 भाई है। और उसके पिता जो है राजेंद्र शर्मा का, मथुरा शर्मा, वो कोलफील्ड में उनकी बीसीसीएल में नौकरी करता था धनबाद झड़िया में, और वही रिटायरमेंट मिला तो यहाँ पकरीबरावा में जमीन खरीद के और मकान बना लिया, तीनों भाई को उसमें हिस्सा मिला। तो जो राजेंद्र शर्मा है इसका इसका हिस्सा में ये अपना हिस्सा को 2 मंजिला कर लिया, बाकी वो दोनों भाई का हिस्सा 1 मंजिला है। ये बार बार वीडियो साहब जांच करते हैं, कहते हैं कि वहाँ उसको हिस्से नहीं मिला है। अब हम ये पूछना चाहते हैं वीडियो साहब से, या फिर जो DRDA का यहाँ नवादा से गए पदाधिकारी जाँच में, वहाँ हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति 30 लाख रुपये कट्ठा का जमीन छोड़ करके 4-5 लाख रुपये कट्ठा में जाएगा, और यहाँ 10 धूर उसको हिस्सा मिल रहा है, तीनों भाई को 10-10 धूर है, और वहाँ तीनों भाई मिला के 1 धूर है घर का जमीन, अब क्या वो 1 धूर मिलेगा? हम ये पूछना चाहते हैं वीडियो साहब से कि आप तो अगर भाई में 10 बीघा आपको खेत है तो 5-5 बीघा दोनों का हिस्सा होगा, तो आप अपना हिस्सा से 2 बीघा दे दीजिएगा अपना भाई को। उतना पब्लिक नहीं जान रहे, पब्लिक को हम सीधे बता लेते, देखिए कंप्लेन है इनका, मेरे पास है कंप्लेन की कॉपी, इन्होंने दिया है जो कि जिला पदाधिकारी को भी रिटर्न में दिया है, और इसमें वो सूची है जो एक विधवा पेंशन, विधवा को जो पेंशन मिलता है विधवा पेंशन के लाभों की सूची इसमें दी गई है, इसमें राशन कार्ड के लाभों की सूची है इसमें, तो ये सारे कागजात इन्होंने दिया है, और जिसमें ये बताया गया है आधार कार्ड भी है, तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करता है कि ये बहुत बड़ा झोल है करप्शन का, जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है उसमें आपको पता है ही कि आवास योजना के सैंक्शन में भी आवास सहायक और जो भी इसमें पदाधिकारी जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे कंप्लेन आए हैं, बहुत सारा इसमें आवास सहायक पर FIR वगैरह भी पूर्व में हुआ है, 50-50 हज़ार रुपये तक की वसूली की जाती है, तो ये सिस्टम तो चल ही रहा है, उसी सिस्टम का हिस्सा ये
कहीं न कहीं राजेंद्र शर्मा का प्रकरण जो डोला गांव के हैं वैसे रहते हैं स्थायी रूप से पकड़ी बराव में, जिनका दो मंजिला मकान है और उस दो मंजिला मकान वाले को इंदिरा आवास का लाभ दे दिया गया है डोला ग्राम पंचायत में, और रहते हैं पकड़ी बराव बाजार में जो कि पकड़ी बराव उत्तरी ग्राम पंचायत है, यही मसला है ना जी। अब ये बेचारे नेताजी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, एक तो अपोजिशन के नेता हैं, थोड़ा सा ऐसे वजूद वजूद कम है इनका, और कंप्लेन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई कोई फिलहाल अब ये डीएम से इनको उम्मीद है, 3 तारीख पर सुनवाई हो चुकी है, इनका पक्ष डीएम साहब ले चुके हैं, रिटर्न में भी लिए हैं, लिखित भी लिए हैं। नहीं बाकी तो वहाँ लिखित सब फैसला गया हुआ है ना वहाँ, हाँ तो आज दिए हैं, वो बोले थे डीएम साहब कि जो ये पेंशन योजना वाला मामला है विधवा वाला आप लिखित वहाँ दीजिए, इसमें कार्रवाई हम करेंगे। तो लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो उसको आवास योजना का लाभ मिला है इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी करने की कृपा करें डीएम साहब, दोनों मामला फंस गया ये तो आवास वाला, अब तो आवास वाला मामला ये फंस गया कि जो आदमी एक तरफ मृत है वो आदमी दूसरी तरफ जिंदा होकर लाभ ले रहा है, फिर वही आदमी को दो मंजिला मकान है उसी आदमी को मिल रहा है, इंदिरा आवास का लाभ भी मिल रहा है, पीएम आवास का लाभ भी मिल रहा है, पत्नी विधवा, पति जिंदा रहते हुए पत्नी विधवा पेंशन का लाभ ले रही है, और ये सारा कहीं ना कहीं एक सिस्टम, एक लॉबी भ्रष्ट सिस्टम काम करता है जो कि माफियागिरी, वही लोग ये सब काम कराते हैं इन लोगों से, इसके बदले मोटी रकम की वसूली की जाती है, अवैध धंधा का बहुत बड़ा खेल है। और इसी कंप्लेन में एक और कंप्लेन है, वो क्या नाम है, साबुन निशा, पति मोहम्मद कासिम का भी 3 मंजिला मकान है और साबुन निशा को भी आवास योजना का लाभ दिया गया है, इसका तो फोटो है, बहुत सुंदर फोटो है, ठीक है वो फोटो हम ले लेंगे आपसे। तो मोटा मोटी अब क्या आपकी मांग क्या है बताइए जल्दी। मांग यही है कि आपके माध्यम से हम डीएम साहब को कहना चाहते हैं कि उक्त जो पदाधिकारी वहाँ हैं और जो संबंधित है इसमें आवास सहायक और पर्यवेक्षक जो है सब पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, भ्रष्टाचार पे जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, कानूनी कार्रवाई हो, और जो भी इसके जद में आता है चाहे वो अधिकारी हो या लाभुक हो, यही बात है, तभी तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा वरना भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये डिंपल जी से, मणिकांत और डिंपल जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया और मोटा मोटी सार यही है कि मृत व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति को मृत दिखा करके पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ दिया गया, और वही जो व्यक्ति मृत, जिनके नाम से, जिन्हें मृत बताया गया था, अब उनके नाम से पीएम आवास निर्गत कर दिया गया है, और वह अभी तब जबकि उस व्यक्ति का उसी प्रखंड के दूसरे जगह में 2 मंजिला मकान है। तो समझिए करप्शन का स्तर किस स्तर तक है। इस प्रकार के मामले हालांकि ये लगे हुए हैं डिंपल जी इसके पीछे कि जो भी मामला हो, जो भी दोषियों पर कार्रवाई हो, इस खबर के पीछे हमारी नज़र रहेगी दोस्तों, कुछ और अपडेट्स आएगा तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।